हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हम सेंसेरा इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसकी डिटेल दूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको समझाऊंगा इस आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, साथ में बात करें क्या इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाएँ या लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊंगा, हालांकि मैं एवरीडे ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करता हूं चैनल पे। यहां पे गाइस आप मिस नहीं कर सकते हैं, वीडियो स्किप नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल शॉर्टेड तरीका आपको इस आईपीओ के बारे में जानने का और कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा इसका बिजनेस मॉडल, इसका फाइनेंशियल, इसकी डिटेल्स। आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं 14 से ओपन होगा, 16 को क्लोज होगा। इसी मंथ में जो ऑफर प्राइस है वो 734 से 744 है। एक लॉट में 20 शेयर मिलने वाले हैं और आपके जो पैसे लगेंगे वो 14,880 रुपए लगने वाले हैं। तो चलिए पहले कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे कंपनी के बारे में मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के इसको कन्वर्ट करके सुनाऊंगा, तो यार वीडियो पॉज करोगे आप खुद ही पढ़ लोगे। यहाँ पे सिंपल शॉर्टेड तरीके से, जैसा कि हमारे चैनल का तरीका है बेहतरीन तरीके से रिव्यू करने का, हम वही करेंगे। तो चलिए आपको एकदम सिंपल शॉर्टेड लैंग्वेज में, सिंपल शॉर्टेड तरीके से इसका बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों सेक्टर में काम करती है। ऑटोमोटिव मतलब जो व्हीकल्स होती हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ये सारे, ठीक है। नॉन ऑटो मतलब ऑफ रोड व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, एरोस्पेस और मेडिकल इम्प्लांट। तो यहाँ पे गाइस ये टू व्हीलर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, फोर व्हीलर्स के लिए कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट में। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में ये ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए बनाते हैं, जैसे कि जेसीबी मशीन आपने देखी होगी, ट्रैक्टर्स देखे होंगे, जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारी चीज़ें। एरोस्पेस के लिए ये बनाते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी ये चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स देख लो आप कैसी चीज़ें ये बनाते हैं। ये इन जो इंजन होते हैं, जो क्रॉस बार्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी गाड़ियों में या फिर किसी भी ऑफ रोड इक्विपमेंट्स में, वो बनाते हैं। देख सकते हैं ये सारे इंजन के पार्ट्स हैं, यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। इसका फ्यूचर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये टू व्हीलर फोर व्हीलर कभी बंद नहीं होने वाले, साथ में अगर जो ईवी सेगमेंट में काम करती है तो ये भाई फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि ईवी में जो भी पार्ट्स लगते हैं, मूविंग पार्ट्स लगते हैं, उसमें भी ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, प्लस कमर्शियल व्हीकल और हैवी व्हीकल्स में सप्लाई करती है, तो वो भी कभी बंद नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इनका फ्यूचर हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपने प्रोडक्ट देख लिया, कंपनी का बिजनेस देख लिया, अब इनके कस्टमर्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए फॉक्सवैगन, जेसीबी, होंडा, एफसीए, केटीएम, होंडा, मारुति सुजुकी, हीरो, फिएट, डाइमलर और ये नाम रिपीट में है। तो यहाँ पे गाइस इतने बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके, बाकी और कई सारे कस्टमर्स हैं। एक तो ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, इंडिया में नहीं बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, सप्लाई भी करती है ये कंपनी। उसके बारे में भी डिटेल बताऊँ, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ पे कितने प्लांट्स हैं इनके, और ये सारी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे, साथ में इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो यहाँ पे अगर जो इसके बिजनेस को आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था। याद दे सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 द ऑटोमोटिव सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 88.45% एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर 11.45। जो इनका फाइनेंशियल ईयर 21 का रिवेन्यू रहा है उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर से 88.45% उन्होंने कमाया, बाकी 11.45% नॉन ऑटोमोटिव, और कंपनी के 65% रिवेन्यू इंडिया से आया है, बाकी रेस्ट 35% अदर कंट्रीज से आया है। और इनके गाइस 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे दिखा रहा है, बट एक्चुअली 16 है, जिसमें से 9 सीधे बेंगलोर में है, और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली ये वर्क कर रहे हैं और ग्लोबली काफ़ी अच्छे अच्छे कंट्रीज में इनके प्रेजेंस है। यहाँ पे गाइस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो लीडिंग सप्लायर हैं ये कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड कॉम्पोनेंट के, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी। और यहाँ पे गाइस एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके सेगमेंट में, प्रोडक्ट्स का और कस्टमर्स का भी। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है इनके पास, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल OEMs, मैंने आपको कस्टमर्स के नाम बताए हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है, और जो स्किल और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है वो भी इनके लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ हो जाती है। रीज़न है इसका भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसी बिजनेस को चलाने के लिए टीम जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं आप। चलिए गाइस यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डेटा होता है किसी भी कंपनी को समझने का। यहाँ पे गाइस 2019, 2020, 2021 चार क्वार्टर का डेटा, यानी कि पूरे साल का है,
कोई भी ऐसा नहीं कि 3 क्वार्टर का है या 2 क्वार्टर का है। टोटल एसेट की पहले बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर जो 2019 की बात करें तो यहाँ पे गई 1745.48 करोड़ है, 2020 की बात करें तो 1828.23 करोड़, मतलब यहाँ हमें बढ़ता हुआ दिखा है। 2021 की बात करें तो 1928.88 करोड़, तो एसेट में हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 1640.80 करोड़ और उसके बाद 1473.13 करोड़। तो अगर जो रिवेन्यू में देखें तो हमें 2019 और 2020 में गिरावट देखने को मिली है। फिर 2021 की बात करें तो अगर जो पिछले साल से कंपेयर करें तो 1473 से 1572 करोड़ हो गया, लेकिन अगर जो 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें गिरावट देखने को मिली है। तो गाइस कोविड का असर कहीं ना कहीं हर कंपनी पर आया और ऑटोमोटिव सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं तो इनके ऊपर भी कोविड का असर रहा है, इसलिए ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 2019 में गाइस 98.06 करोड़ और 2020 की बात करें तो 79.90 यानी कि 79.90, तो हम इसको यहाँ पे 80 मान सकते हैं, 80 करोड़ देखा जाए तो 98 से 80 भाई गिरावट होनी थी, रिवेन्यू भी हमें दिक्कत देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 109.86 करोड़ यानी कि 110 करोड़ हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो भाई 98 से गिरावट देखने को मिली, 80 हो गया, फिर 109, अच्छा जंप इन्होंने प्रॉफिट में दिखाया है। 110 करोड़ यहाँ पे अगर जो मान ले तो जिस हिसाब से भाई इन्होंने 2019 में आप देखेंगे 1640 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट निकाला था सिर्फ 98 करोड़ का, तो अगर जो 2021 में देखेंगे 1572.36 करोड़ का रिवेन्यू था और 109 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात होती है कि कंपनी ने अपना जो रिवेन्यू निकाला है वो कम निकाला है बट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। अब ये ग्रोथ कई तरीके से हो सकती है, जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं क्वार्टर की या फिर ईयरली रिजल्ट जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है वो अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे गाइस एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए इनके पीयर्स के बारे में, जो लिस्टेड पीयर हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी, मिंडा इंडस्ट्री, सुंदरम, सुपरजीत इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और महिंद्रा सीआई, ये इनके पीयर हुए, इनके कॉम्पिटिटर हुए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन तो भारत फोर्ज और मदरसन सुमी और महिंद्रा सीआई इनको टक्कर देने वाला है और एक यहाँ पे इनको अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। तो मार्केट में जब लिस्ट होंगे, अभी तो मार्केट के बाहर इनकी फाइट थी, अभी मार्केट में भी इनकी फाइट हो जाएगी तो भाई देखने लायक होगी। और इसका भी असर होता है, अगर जो कोई पीयर नहीं है मार्केट में लिस्टेड तो हमें लिस्टिंग में अच्छे खासा गेन देखने को मिलता है, अगर जो पीयर है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए भी ये डेटा इंपॉर्टेंट था आपको बताना। अब यहाँ पे गाइस आपको डेट तो पता है, 14 को ओपन होगा, 16 क्लोज होगा, अलॉटमेंट इसका पता चल जाएगा 21 सितंबर को, 24 सितंबर को लिस्टिंग डेट होगी। 2 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, जो इशू का प्राइस है वो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता ही रखा था, इशू का जो साइज़ है वो 1283 करोड़ का है। ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया है क्योंकि गाइस ये पूरा का पूरा OFS है, यानी कंपनी के किसी भी काम के लिए ये लोग पैसे नहीं उठा रहे, ये पैसे जाएंगे प्रमोटर्स या जो इनके शेयर होल्डर्स होंगे पहले पुराने उनकी जेब में, यहाँ कंपनी के एक्सपेंशन में कंपनी के किसी भी यूज़ में पैसे नहीं ले रहे हैं। जैसा कि अभी विजया भी OFS के लिए आया था, विजया भी सेम ऐसे ही सारे पैसे प्रमोटर्स की जेब में जा रहे थे, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए नहीं ले रहा था। अगर जो एमी ऑर्गेनिक की बात करूँ तो वहाँ पर भाई 200 करोड़ फ्रेश इशू था, फ्रेश इशू का मतलब कंपनी के एक्सपेंशन के लिए वो लोग काम कर रहे थे। तो एक यहाँ पे नेगेटिविटी सी आ जाती है यार, OFS मतलब प्रमोटर पैसा निकाल रहा है अपने स्टेक्स डाइल्यूट करके और कंपनी के एक्सपेंशन में कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और इसका साइड देखने को मिल जाता है कि कंपनी के पास इनफ कैश है, इनफ बैलेंस है काम करने के लिए, तो वो क्यों पैसे उठाएगी। बट अगर जो लिस्टिंग के लिए देखें तो भाई लिस्टिंग के लिहाज से ये चीज़ पॉजिटिव नहीं मानी जाती है। अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है 120 से स्टार्ट हुआ था और अभी करंट में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये 80 रुपये है, मतलब यहां पे गिरावट देखने को मिली है क्योंकि रीज़न है यहां पे एमी इसको अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। तो यहां पे गाइस हमें 14 को पता चल जाएगा जब ये ओपन होगा, सब्सक्रिप्शन क्या आ रहा है पहले दे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। अगर जो QIBs ने NIIs ने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई, पहली चीज़ कि भाई ये अकेला IPO है, इसके साथ कोई और नहीं है। सेकंड, यहाँ पे सिर्फ 1283 करोड़ का IPO है, ये बहुत ज़्यादा नहीं कि 2000, 3000 या 5000 करोड़ का IPO है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड थिंग कि आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी एमी की और विजया की, आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं और मेनली आपको पता है QIBs और जो NII होते हैं वही भाई ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं। अगर जो ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ अच्छा देखने को मिला तो भाई लिस्टिंग के लिहाज से आपको बहुत ही शानदार यहाँ लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे अगर जो देखे कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते, नहीं रख सकते भाई, लॉन्ग टर्म के लिए इसके बहुत बढ़िया बढ़िया लिस्टेड
प्लेयर ऑलरेडी हमारे पास हैं। अगर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूंगा तो भाई मैं तब जाऊंगा जब मैं फंस जाऊंगा। फंसने का मतलब है मैंने अप्लाई किया और वहां पे मुझे गेन नहीं अच्छा देखने को मिला तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा, अदरवाइज भाई मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जाऊंगा, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचूंगा। बाकी गाइस इसके बाद कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसे रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर जो आपने हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ में गुड न्यूज़ नाम से एक वीडियो मिल जाएगी जो सबसे ऊपर होगी, उसमें देख लेना आपको हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाने वाला है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।